से भी आगे बढ़ेंगे। बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें इस वक्त एक और बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर इंदौर से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शराब की दुकान खोलने पर उन्होंने बयान दिया है, और आपको बता दें कि उन्होंने बयान में कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए फैसला लिया गया, सरकार को रेवेन्यू की जरूरत है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, यहां पर आकाश विजयवर्गीय की ओर से यह बयान सामने आया है, शराब एक बुराई है। आकाश विजयवर्गीय ने यह साथ में यह भी कहा है, और आपको बता दें कि बीजेपी से विधायक हैं आकाश विजयवर्गीय, और उनकी ओर से बड़ा बयान आपको बता दें सामने आ रहा है। इस वक्त बड़ी और अहम जानकारी हम आपको देते हैं, शराब से जुड़ा हुआ बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि शराब से रेवेन्यू आता है और सरकार को उस रेवेन्यू की जरूरत है। शराब की दुकान खोलने पर यह बयान सामने आया है, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कि वो देखिए, हम सब जानते हैं कि शराब एक बीमारी है, बुराई है, बहुत बड़ी बुराई है सामाजिक, और सबकी इच्छा है कि वो बंद हो। माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिशा में काम भी कर रहे हैं, मगर अभी जिस प्रकार का आर्थिक परिपेक्ष है, सरकार को लोगों का ध्यान रखने के लिए अर्थ की आवश्यकता पड़ रही है, काम धंधे थोड़े कम चल रहे हैं, टैक्सेस कम आ रहे हैं, और कोविड के इलाज के लिए खर्चा बहुत लग रहा है, तो कहीं ना कहीं से अभी टेम्पररीली पैसों की व्यवस्था जल्दी जल्दी हो जाए इसका प्रयास करती है सरकार, तो इसलिए ये छूट दे रखी है। मगर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी अल्टीमेटली इस प्रदेश में से शराब बंद हो इसके लिए